अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शरीफ खान, आप सब लोगों को अपने वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं खान स्टूडियो यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है एफएल स्टूडियो 20 के अंदर दफ़ का ट्रैक कैसे बनाते हैं, दफ़ की बीट कैसे बनाते हैं, और ये दफ़ का प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए फ्री है और इसका ऑडियो भी आप लोगों के लिए फ्री है। वीडियो के नीचे लिंक मौजूद होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका प्रोजेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और इसका ऑडियो भी आप फ्री डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एफएल स्टूडियो 20 के अंदर दफ़ का ट्रैक कैसे बनता है, दफ़ की बीट कैसे बनती है। स्टार्ट करते हैं, चैनल रैक ओपन किया, यहाँ से मैंने स्वार प्लग लगाया, ये VST प्लगइन है स्वार प्लग, इस पर साउंड ऐड करते हैं दफ़, उसके बाद पियानो रोल ओपन। अब चेक करेंगे, इसके थोड़े से साउंड होते हैं, एक ऑक्टेव पर मौजूद होते हैं, तो पहले ढूंढते हैं कि कौन से ऑक्टेव पर इसके साउंड्स मौजूद हैं। जी हाँ, C3 पर मौजूद है। तो सबसे पहले ये वाले चार नोट लगाऊंगा, इसको करेंगे प्ले, पैटर्न मोड पर प्ले करना है, ये लें जी आपकी बीट तैयार हो गई है, दफ़ बीट रेडी हो गई है। अब इसको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद हम इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा टेम्पो बढ़ा देते हैं, चैनल रैक से इसको प्लेलिस्ट पर लेके आना है। तो ये ब्रश टूल लेना है और पेस्ट कर देना है, इसको पेस्ट करना है 200 बार्स। दो सौ बार पर पेस्ट कर दिया है, कंप्लीट ट्रैक बन गया है, दफ़ बीट का दफ़ ट्रैक बन गया है। अब इसको सॉन्ग मोड पे प्ले करना है, इसके साथ आप नात पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एक नात पढ़ी जा सकती है। मिक्सिंग एडिटिंग इसका जो है सारे ट्यूटोरियल बन रहे हैं, बीट को मिक्स कैसे करना है, इस पर कौन कौन से इफ़ेक्ट लगते हैं, मिक्सिंग में कौन से इफ़ेक्ट लगते हैं, मास्टरिंग में कौन से इफ़ेक्ट लगते हैं, ये सभी वीडियोस आगे आ रही हैं, अपलोड हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये तरीका है दोस्तों एफएल स्टूडियो के अंदर दफ़ की बीट बनाने का, दफ़ ट्रैक बनाने का। तो देखते रहिए खान स्टूडियो को, अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।